हेलो व्हाट्सअप गाइस माय नेम इज विनोद बादू थापा एंड वेलकम टू जाक्रिप्ट इन अंडर डेज जी हाँ गाइज तो आज है हमारा ट्वेंटी एट डे एंड आई होप आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे एंड आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मजा आ रहा होगा सबसे पहले तो गाइस अभी तक अगर आपने मेरे वर्ल्ड बेस्ट जास्क्रिप्ट कोर्स सी एस एस इंटरनेशनल कोर्स को चेकआउट नहीं किया प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी हमारे इस इंटरव्यू क्वेश्चन को टैकल करने के लिए तो देख लीजिए गाइस आज का हमारा क्वेश्चन क्या है सिंपल है बट ये आप लोगों को पता होना जरूरी है कि इसको हम कैसे सिंपल बना सकते हैं तो आप देख सकते हो इट्स अ ट्रंकेट स्ट्रिंग सो वी नीड टू राइट अ फंक्शन कॉल ट्रंकेट स्ट्रिंग दैट टेक्स टू पैरामीटर ओके जो कि दो पैरामीटर ले रहा है वन इज द स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग दैट नीड्स टू बी ट्रंकेट ट्रंकेटेड मतलब अगर बहुत बड़ा सेंटेंस है ना उसको छोटे टुकड़ों में वो कर देना छोटा सा टुकड़ा दिखाना खाली ट्रंकेट करना काट देना आप इस तरीके से समझ लीजिए देन वी हैव द सेकेंड पैरामीटर दैट इज योर मैक्सिमम लेंथ एंड इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अलाउड इसका मतलब ये कि जो भी स्ट्रिंग आप पास कर रहे हो उसमें ये जो मैक्सिमम लेंथ दी गई है तो एट द एंड ऑफ द लाइक प्रोग्राम हमें क्या चाहिए कि हमें आई I मीन mean, हमने जितना भी ये नंबर दिया है ना मुझे बस उतने ही कैरेक्टर्स यहाँ पे दिखाने हैं ये तो बहुत ज़्यादा है मुझे सिर्फ इसका आर्ट कैरेक्टर दिखाना सो इट विल बी समथिंग कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट में ए हाइफन टिस्केट बस खत्म क्योंकि टोटल आर्ट हो गया उसके बाद डॉट 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 हमें एट द एंड में खुद से ऐड करना है बता भी रहा है the function should truncate the input string str if its length exceeds the specified maximum length तो so, ये पढ़ के हमें पता चल रहा है कि कंडीशन हमें देना है कि हमारा ये जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन द मैक्सिमम लेंथ सबसे पहला कंडीशन इफ ट्रंकेशन अकर्स अगर ट्रंकेट होता है द फंक्शन शुड ऐड डॉट 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 टू द एंड ऑफ द ट्रंकेटेड स्ट्रिंग आई होप अब आपको पता चल गया होगा ठीक है सो या गाइस इट्स योर चांस अभी के अभी आप किसी वीडियो को पॉज एंड आप खुद से ट्राई कीजिए एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑल आर गाइस तो आई होप आपने एटलीस्ट ट्राई कर लिया होगा so, यहाँ पे चलते इट्स अ ट्रंकेटेड स्ट्रिंग ठीक है यहाँ पे मैं चलता हूँ इस तरीके से देखो दो आर्गुमेंट से वहां पे तो हमें भी यहाँ पे दो पैरामीटर्स लेने पड़ेंगे एंड देन नंबर चलो ठीक है तो ये मैक्सिमम लेंथ आप इसको कुछ भी uh, लिख सकते हो इट्स टोटली अप टू यू तो एक काम करते हैं इसको हम काउंट ले लेते हैं ठीक है सो इफ सबसे पहला कंडीशन तो स्ट्रिंग डॉट लेंथ एल एन जी टी एच इफ इट इज ग्रेटर देन नम अगर ये नंबर से बड़ा होता है सॉरी मैं नंबर क्यों लिख रहा हूँ इफ इट इज ग्रेटर देन योर काउंट एक्चुअल में ठीक है अगर काउंट से बड़ा होता है तो ही गाइस मुझे क्या करना होगा मेरे को ये जो है ट्रंकेट करना है अब आप आप मुझे ये बताओ कि हम ट्रंकेट करें तो करें कैसे हमारे पास स्ट्रिंग में कोई ऐसा मेथड है जिसमें मैं ये बोल सकूं कि ये देखो मेरा इतना लंबा सेंटेंस है मुझे इसके सिर्फ स्टार्टिंग के टेन कैरेक्टर्स स्टार्टिंग के सिर्फ फिफ्टी कैरेक्टर्स दिखाओ तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारा ये वर्ल्ड में जावास्क्रिप्ट कोर्स का जो पार्ट वन है इसमें जब स्ट्रिंग वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हमने कवर किए मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया कि इंस्टाग्राम में आई गेस कुछ तो वन एट्टी या ट्विटर में 250 वर्ड्स तक ही हम आई मीन कैरेक्टर कैरेक्टर्स ही हम दिखा सकते हैं तो वो सब मैं ऑलरेडी आपको करके बता चुका बहुत सारे मैथड्स है, है ना तो वो भी मैं आपको बता चुका हूँ तो यहाँ पे एक मेथड है जिसको हम टैकल करने जा रहे हैं डेट इज योर स्लाइस मेथड जहाँ पे हमें हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर एंड देन एंडिंग का इंडेक्स नंबर देना है एंड उस बीच में जो भी हमें कैरेक्टर्स मिलता है वो एज ए आउटपुट हमें रिटर्न हो जाता है एंड यहाँ पर आप बहुत औसम awesome एनिमेशन भी अभी आप देख पा रहे हो ये मैं ऑलरेडी हमारा जो जाबस्क्रिप्ट का कोर्स है उस पर मैंने बहुत इन डेप्थ में बताया है प्लीज़ उसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा स्लाइस है सब स्ट्रिंग बहुत सारे भरे पड़े सो लेट्स गो विथ स्लाइस ठीक है यहाँ पे मैं चलता हूँ मैं बोलता हूँ मुझे जीरो इंडेक्स नंबर से लेके मेरा ये जो काउंट इंडेक्स नंबर है वहाँ तक मुझे मेरा डेटा चाहिए दिस इज इट ऑलर गैस तो इसको सिंपली कंट्रोल कंट्रोलाइज सेव कीजिए एंड इसको मैं अब रन करता हूँ तो आप देखिए कि मुझे ए हाइफन फंड टिस्केट आ गया मतलब जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे आ चुका है खाली अब मुझे यहाँ पे डॉट 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 को ऐड करना है तो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट तरीके जिसके थ्रू हम कर सकते हैं लेकिन एक सिंपलेस्ट तरीका ये है कि हमने इससे बहुतों ने बाप ये कॉन्केट वर्ड बहुत सुना है एंड इसका एक मेथड भी है ये स्ट्रिंग है तो डॉट 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 हम कॉन्केट मेथड को जो है इस पर तो मैं चेनिंग कर दे रहा हूं है ना अब मैं अगर यहां पे चलता हूं सो देख लीजिए मेरा आउटपुट आएगा तो इसी बात पे एक लैक तो बनता है लेकिन ये तो चलो ठीक है वॉट हैपन कि अगर एट के बदले अगर मैं जीरो कर दू जीरो करने का मतलब तो ये है कि मेरा जो ये स्ट्रिंग है उसको एज इट इज रखिए उसको ट्रंकेट करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है नहीं लास्ट में डॉट 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 एड करने की नीड है जीरो का मतलब यही हुआ राइट बट अगर मैं यहाँ पे चलूंगा तो अब आप देखना मुझे वेड्स आउटपुट आएगा एंड दैट इज कि मेरा स्ट्रिंग ही गायब हो गया स्ट्रिंग गायब हो गया मुझे सिर्फ डॉट 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 आ रहा है क्यों क्योंकि हमने कंडीशन ऐसा लिखा है कि हमारा जो स्ट्रिंग का लेंथ है इफ इट इज ग्रेटर देन जो भी काउंट दी गई है तो ऑब्वियसली हम उसको क्या कर सकते हैं गाइस हम उसको टैकल कर सकते हैं टैकल से मेरा मतलब था कि हम उसको ट्रंकेट कर सकते हैं बट वेन इट कम्स टू यू जीरो तो ऑब्वियसली ये जो जीरो है यहाँ पे आ जाएगा इसकी लेंथ तो देख के पता चल रहा है हद से ज्यादा है तो ये वापस वो इस कंडीशन के अंदर चला गया जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कंडीशन ये चेक करेंगे कि मेरा ये जो काउंट की वैल्यू है इफ इट इज इक्वल टू जीरो या तो लेस देन जीरो क्योंकि नेगेटिव में भी वैल्यू दे सकते हैं ना एंड नेगेटिव में देने का मतलब ये तो नहीं कि मैं और एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऐड कर दूँ तो जीरो या उससे अगर छोटा हो जीरो से छोटा या उसके अगर बराबर हो तो मुझे बस क्या करना है रिटर्न जो भी स्ट्रिंग है एज इट इज एल्स या तो आप फिर तब जाके आप एल्स लिख दो इस तरीके से यहा पे इफ अगर ये जीरो से बड़ा रहा तो जाके आप इस वाले पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल कीजिएगा ये देखो अब मुझे बराबर जो मुझे चाहिए था आ गया कितनी इजीली हमने इसको सॉल्व किया राइट अब एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का डेट इज विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर जो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कैसे देखो सबसे पहला तो वी नीड टू रिटर्न लिखना ही पड़ेगा वही आप अकाउंट ठीक है इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू जीरो अगर ऐसा होता है तो स्ट्रिंग जो है एज इट इज रिटर्न कर दीजिएगा एल्स हमारा ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट part है इसको आप रिटर्न कर दीजिएगा तो दिस इज देखो यहाँ पे मुझे चार लाइन आप कोड लिखना पड़ा बट यहाँ पे सिर्फ एक लाइन का कोड मैंने लिखा और ये मेरा काम हो गया इफ दिस कंडीशन इज ट्रू ये जो एस है ये हमें मिलने वाला है एंड इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स तो ये आफ्टर कॉलन ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है उसका हमें आउटपुट आने वाला है अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ इसको रन करता हूँ एंड बूम गाइस सी मुझे मेरा आउटपुट आ गया बट अभी फिलहाल मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है एज इट इज़ दिख रहा है बिकॉज हमने जो आर्गूमेंट पास की है डैट इज़ मैक्सिमम लेंथ वाला उसको अब मैं एट कर देता हूँ ठीक है एंड ऑब्वियसली हमारा ये जो एट है वो काउंट से तो आई मीन जीरो से तो छोटा या उसके बराबर तो नहीं है इट मीन्स कि मेरा ये जो सेकेंड कंडीशन है वो चलेगा अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ सो थ्री टू वन एंड बूम गाइस सी ये देख लीजिए मुझे मेरा आउटपुट आ गया इसको मैं क्लीन करता हूँ इसको मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मुझे मेरा आउटपुट आ गया तो so क्या कैसा लगा आपको आज का वीडियो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ये जो कॉन्केट के बदले आप प्लस ऑपरेटर या टैम्पलेट लिट्रल्स आई मीन बहुत सारी चीज़ें जिसके आप हेल्प ले सकते थे यू नो एंड स्लैस के बदले आप सब स्ट्रिंग यूज़ कर सकते थे बहुत सारी चीज़ें जो आप स्ट्रिंग के मेथड में के साथ भी चेंज कर सकते थे खेल सकते थे एंड फॉर फर्दर एकदम इन डेप्थ अगर आपको पढ़ना समझना है तो जावास्क्रिप्ट का जो कंप्लीट कोर्स है जरूर चेकआउट कीजिएगा आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है सो गाइस लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन आपको वीडियो कैसा लगा आपके पास कोई प्रोग्राम uh, हो डाउट uh, हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों के साथ बार बार के शेयर कर दीजिएगा नाउ आवर नेक्स्ट टारगेट इज वन मिलियन सब्सक्राइबर सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दीजिएगा मिलता हूं मैं अब आपको कल की वीडियो में टिल दिन गाइस थैंक यू सो मच टेक केयर